तो कैसी है हमारी डीप लाइफ फैमिली। मैं हूं आपका डीप लाइफ और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। तो गाइस, जब भी मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की, एकदम ओजी डीप लाइफ, यूज्ड टू जस्ट पेंट, म्यूजिक चालू रहता था और मैं पेंटिंग करता रहता था। जो सारा मेरा आर्ट है, जो सारी मेरी पेंटिंग्स है, मैंने अपने हाथों से बनाई है। ये स्किल मुझे आप लोगों को दिखाने में बहुत मज़ा आता है, उसी वजह से मैंने अपने लिए कुछ नियॉन पेंट्स खरीदे हैं। ये गाइस नियॉन पेंट्स बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है क्योंकि ये ब्लैक लाइट के अंडर ग्लो होते हैं। तो गाइस, आज हम लोग इनको लेके एक ज़बरदस्त आर्टवर्क बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि नियॉन आर्टवर्क यूज़ करके, नियॉन पेंट्स का इस्तेमाल करके आर्टवर्क कैसे बनाया जा सकता है और वो कितना ज़्यादा कूल होता है एक रेगुलर आर्टवर्क से। ऑल्सो गाइस, इतने सारे आर्टवर्क्स बनाने से मैंने बहुत डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड मैनी ऑफ माई ओन आर्ट स्टाइल्स एंड टूडे आई विल ऑल्सो बी इन्वेंटिंग वन मोर नियॉन डीप लाइफ आर्ट स्टाइल। सो गाइज, और वक्त ज़ाया ना करते हुए जाते हैं मेरी पेंटिंग वॉल पे एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस वंडरफुल आर्ट वर्क। डीप लाइफ पेंट्स। Well guys, this was my practice canvas. I've gessoed it and that's why the wonderful texture, starting with the base color, and then as we go along we build some layers. सो गाइज, आफ्टर द बेस कोट आई केप दिस पेंटिंग फॉर अ डे एंड रात को मुझे एक क्रेजी मिस्टीरियस ड्रीम आया दैट आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस ऑन कैनवस। यू डोंट नो एग्जैक्टली हाउ द फाइनल प्रोडक्ट वुड बी, यू हैव टू ट्रैवल द माइल्स to reach somewhere, the place that you'd be happy at. Well, then I forgot that I was filming a video and I did the outlines. After doing the black outlines, this painting got its true character. वैसे पेंट्स इतने टेस्टी क्यों दिखते हैं? खाना मत। डीप लाइफ बे मिला नो वो थेप्यूटन तुम्हें पेंटिंग। डिड यू मेक दैट? यस। वेल गाइस, नाउ आई विल बी क्वाइट एंड यू गाइस एंजॉय द सेटिस्फैक्ट्री पेंटिंग प्रोसेस। एंड इफ यू लव दिस वीडियो डू गिव इट अ बिग फैट लाइक। Shaggy, shaggy time!
So guys, the artwork is looking something like this. इसके ऊपर glare आ रहा है because of how glossy it is. एक एंगल में आपको दिख रहा होगा ये कैसी बनी है. ऑल्सो गाइज, इस आर्टवर्क की ये खासियत है कि ये हॉरिजॉन्टल भी बढ़िया लगता है एंड इसको वर्टिकल किया तो भी ये कूल लगता है. तो मैंने दोनों चीज़ें ध्यान में रख के उसे वैसे बनाया है. ऑल्सो मैंने अपनी सिग्नेचर की है यहाँ पर, जो वाइट के ऊपर इतनी दिक्कत नहीं आती पर यूवी लाइट के अंदर एकदम कड़क चमकती है. और इस आर्टवर्क में एक छुपी हुई हिडन मिस्ट्री भी है जो मैं सबको नहीं बता सकता. अगर आपने वीडियो पीछे जाके देखा, इसके नियॉन पार्ट्स देखे, तो आपको वो मिस्ट्री समझ आ जाएगी. अगर आपको वो मिस्ट्री समझी है तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैंने इसमें कौन सी मिस्ट्री छुपाई है. वैसे यूजुअली आर्टवर्क्स को वार्निश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, पर मैंने इसे ग्लॉस वार्निश इसलिए किया है क्योंकि इसके जो पेंट्स थे जब भी सूखे तो काफ़ी मैट सूखे, थोड़ा सा MF हुसैन जी की तरह भी बनाया है. तो आई हैव कम्बाइंड अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल स्टाइल्स एंड डीप लाइफ का तड़का भी इसमें लगाया है एंड वैसे जाके ये आर्टवर्क बना है. और इतने वाइब्रेंट कलर्स होने की वजह से मुझे पता था कि ये ग्लॉस वार्निश करने के बाद ही इसके कलर्स इतने ज़्यादा पॉप करेंगे. वैसे गाइज, इंडिया में सिर्फ रियलिज्म पॉपुलर है और मैं बहुत देख रहा हूँ यूट्यूबर्स जो रियलिज्म करते हैं बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, बट ये जो सारी यूनिक स्टाइल्स होती है आर्टिस्ट्स की, आपने देखा रहेगा तो जो लेजेंडरी आर्टिस्ट पिकासो है उनकी एक डिफरेंट आर्ट स्टाइल है. तो ऐसे एक हर एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट स्टाइल बनाता है. आप फोटो खींच के भी रियलिज्म कैप्चर कर सकते हो, बट ऐसा आर्टवर्क बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना पड़ता है एंड यू ऑल्सो नीड टू बी अ लिटिल क्रेजी. यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड एज एन आर्टिस्ट टू सक्सीड इन द वर्ल्ड यू नीड टू हैव अ डिफरेंट स्टाइल. सो अगर आप एक आर्टिस्ट हो, मेक श्योर दैट यू फाइंड योर ओन स्टाइल एंड इट नीड्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स. आप दूसरे आर्टिस्ट से इंस्पिरेशन ले सकते हो पर उनकी स्टाइल छापना मत एंड डोंट मार्केट इट एज योर ओन. थोड़ा जो वेस्टर्न स्ट्रीट ग्रफिटी आर्ट स्टाइल होती है उसका थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, बट आई हैव गिवन इट अ कम्प्लीटली न्यू टच. अगर आपको ये आर्टवर्क परचेज करना है तो यू जस्ट नीड टू DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम. ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ऑल्सो Some of the proceeds of this painting will be going to charity. I've also done many paintings jiska pura proceeds have been gone to charity, jiska maine screenshot Instagram pe share kar diya tha. Kabhi kabhi jo bade clients mujhe approach karte hain, they don't want me to share the artworks on the channel kyunki unki designs rehti hai jo hum log ne brainstorm karke banayi rehti hai. They wanted to be exclusive, but this artwork you can own, so I have given you this opportunity to get this piece. Ek neon artwork aap create karna chahte ho by working with Deep Life, तो आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर IG पे कांटेक्ट कर सकते हो. फेविक्रिल के ये है, तो मैं इस कंपनी से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई ब्लू में भी बना दो नियॉन वाली शेड. मैंने बहुत ढूंढी पर मुझे ब्लू वाली शेड नहीं मिली. Amazon पे पिगमेंट पाउडर्स अवेलेबल है, पर मिक्स करके बनाना, उससे अच्छा अगर एक डायरेक्टली पेंट मिल जाता ऐसा ही तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती. वेल गाइज, आप भी नियॉन कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो एंड मे बी यू माइट एंड अप क्रिएटिंग अ नियॉन आर्टवर्क ऑफ योर ओन. वेल गाइज, मैं हूँ डीप लाइफ. आई कीप क्रिएटिंग सच क्रेजी आर्ट एंड DIY कंटेंट. सो टू सब्सक्राइब टू आर चैनल. वी ऑल्सो हैव अ शॉर्ट्स चैनल जिसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. वेल गाइज, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लव दिस वन. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.